हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद पैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल पर होम डेकोर एंड DIY वीडियोस लाती रहती हूं। अगर इस तरह की वीडियोस देखना आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आई हूँ अपने घर में और यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्राफ्ट और कलर्स का सामान नहीं है, तो मैं कुछ निक नैक सामान लेकर ही, जो भी है वेस्ट, उनको लेके कुछ DIYs करने वाली हूँ। तो देखते हैं आज क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एक कुल्हड़ जिसमें हमें चाय मिलती है, तो ये मेरे पास थे। इनको मैंने एनिमल पेंट कर लिया है, ये टेराकोटा कलर में है ये। तो मेरे पास एक यही पेंट था यहाँ पर और एक वाइट कलर का, तो उन दोनों को मैंने लिया है। इसको मैंने सारे कुल्हड़ पे कर लिया और ये कलर्स जो हैं थोड़े थोड़े से मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये सारे कलर्स मैंने इस पर कर दिए। ये सिर्फ इतने ही कलर थे जो इसमें मैंने कंप्लीट कर पाई हूँ इनको। और जो इसमें पैटर्न बना हुआ था उसी पे थोड़ा सा मैंने पैटर्न को कलर कर दिया है, कुछ मिरर्स इसमें लगा दिए हैं। और इसके बाद मैंने जो इसकी धागा लिया है, ये मैंने वायर्स ली है, जो लड़ी में वायर्स होती है वो ली है, और उसके ऊपर मैंने इसमें कुछ बीड्स लगा दिए हैं, कुछ मोती, और जो ईयरबड की पाइप होती है वो कट करके वो इसमें डाल दी है। तो इस तरह से इसको मैंने कंप्लीट किया है, ये देखिए। और ये पाइप वैसे आपको स्टेशनरी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएंगे। और जिस पे मैंने इसको हैंग किया है वो एक छड़नी है, करवा चौथ की छड़नी, मुझे और कुछ मिला नहीं यहाँ पर, तो उसी पे मैंने इसको होल्ड करके हैंग कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। ये कुछ CDs मैंने ली है और CDs को कट करके उनको क्लियर कर दिया है और इस शेप में मैंने उसको कट कर लिया है, कुछ इस तरह के मून्स और ये हाफ मून, इस तरह से इनको कट करके क्लियर कर दिया है मैंने। तो CD को कट करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप देखते रहिए ये वीडियोस को। तो इस पर भी मेरे पास यही कलर था, और सॉरी पेंट था, एनिमल पेंट है ये टेराकोटा कलर का, तो ये मैंने इस पर कर दिया है। और इसके बॉर्डर्स पे वाइट, ये भी एनिमल पेंट था मेरे पास, इसके बॉर्डर पे मैंने एनिमल पेंट को कंप्लीट कर दिया है। और इस तरह से इसको एक रोप में या धागे में, जूट रोप में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसको लगा देना है। फेवी बॉन्ड की हेल्प से मैंने इसको लगा दिया और उसके पीछे थोड़ा सा टेप भी लगा दिया है जिससे कि ये सिक्योर हो जाए। तो ये इस पैटर्न में लगा दिया है इसको, और ये सिंपल सा है, देखने में अच्छा लग रहा है पर। और उसके बाद ये लास्ट, ये एक छोटी सी डब्बी रखी थी और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक डब्बे का कैप मैंने लगा दिया है, और ये ऊपर की तरफ भी इसको ऐसे लगा दिया है। और इस पर भी एनिमल पेंट जो मेरे पास था, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ही सामान था, उसी का जुगाड़ करके यहाँ पे मैंने कुछ DIYs किए हैं। तो इस पर भी मैंने वही पेंट किया है, और पेंट कंप्लीट करने के बाद वाइट पेंट से मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क कर दिया है, थोड़े सा डिज़ाइन बना दिया है। और ये डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ डॉट्स बना दिए हैं, कुछ सर्कल्स बना दिए हैं, कुछ लाइनिंग पैटर्न बना दिया है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट किया है पूरे को। और अच्छा, आप जब भी पेंट करते हैं या कलर करते हैं उसके बाद, इससे पहले मेरे पास यहाँ जैसो नहीं था, वॉल पुट्टी भी नहीं थी, अदरवाइज़ वॉल पुट्टी से आप जैसो बना सकते हो। तो आप किसी ग्लास पे या प्लास्टिक पे आप कभी भी पेंट या कलर करते हो तो आप जैसो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना जो बाद में है कलर की लेयर जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने यूज़ नहीं किया है, बस मैंने डेकोरेट कर दिया है। और इनको वार्निश आप कर लीजिए अगर आपके पास है, मेरे पास अभी नहीं है, तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें ये हाइडिंग प्रोसेस है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। और ये छोटा सा स्टैंड आपका बन गया।
और ये एक बॉटल को मैंने कट कर लिया है, कट करके उस पर पेंट करके पोल्का डॉट्स बना दिया मैंने ईयरबड की हेल्प से। तो ये हो गया है एक DIY कंप्लीट, बहुत ही इजी और बहुत कम समय में ये सब बन गए हैं। और इसमें रख दिया मैंने ईयरबड्स और ये DIYs हो गए हैं कंप्लीट। और कैसे लगे आपको ये DIYs तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ये देखिए आफ्टर बिफोर, आप ऐसे ही अगर इसमें रखते हैं कुछ तो अच्छा नहीं लगता है, बट आप किसी को कलर कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा भी आप इसमें अपना इफेक्ट डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ थम्स अप दिए बिना मत जाइएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि हम और आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो प्लीज़ अगर लाइक करते हैं आप तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, सब्सक्राइब करने में भी आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, बट हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, बाय बाय। मिरर का जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है पीछे वॉल पर, देखिएगा आप अगर ध्यान से देखते हैं तो।